मुक्तसर साहिब के जलालाबाद रोड रेलवे फाटक के निकट दिन दिहाड़े चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने पिस्तौल की नोक पर चौकीदार को बंधक बनाकर एक तंबाकू की दुकान का शटर तोड़कर लाखों की नकदी व सामान लूट लिया और रफू चक्कर हो गए। दुकान के मालिक मुताबिक उनकी दुकान में 1.5 लाख रुपए की नकदी और 2.5 लाख रुपए का नया सामान रखा हुआ था, जिस कारण इस घटना में उनका करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। वहीं चौकीदार से भी पूछताछ जारी है। की नाम है तोड़ा? सुमित कुमार। सुमित जी, की घटना वापरी है तोड़ी दुकान दे? रात नूं जी दुकान असीं वधा के गए हैं कंटिन्यू डेली तरह जी, और मैं जाना सी रात नूं चौंकी ते, असीं मैं चौंकी दा मैंबर हां, ते ओह मैं दराज दे विच पेमेंट लग गया। मैं कि दो घरां दी देनी है पेमेंट आपां, ते पेमेंट उन्हां नूं फड़ा दांगे, ते इह कहिंदे कोई नहीं रख दे मैं दे दूंगा। मैं चला गया दुकान तो जी, रात को 11 बजे मैं दुकान तो चौंकी तो आया शिव मंदिर कोटपा रोड तो जी। 11 बजे आया तो फाटक बंद सीगा, इतने चौकीदार खड़ा नाल दी दुकान जिंदरे चैक करी जांदा जी, नाल दुकान लगी उन्होंने बाहर बल्ब लगे 200 वाट का वो जगी जांदा जी। सवेरे 4:24 से मैं मेरा पड़ोसी है मित्तल हार्डवेयर, इन्होंने मैनू फोन किया। मैं क्या हाँ जी विपन जी किमें? कहता काला जी एक दुकान पर आए, दुकान ने शटर के जिंदरे टुटे पे है। मैं उन्होंने ईजी नहीं लिया, मैं चल जिंदरे टुटे कोई आ गए ना भज गए उन्हें। जो मैं इतने आया तो मेरे आपदे ही रंग उड़ गए जी, 4 दराज जिन्हें समथिंग 1.5 लाख रुपया कैश और बजट वास्ते भी बजट के माल नहीं मिलता। मैं सिगटा लेके रखिया सो सिगटा मैं खाने चलाइया, तो जो मैं आके वेख्या तो खाने कोई सारे खाने वेली अगरबत्ती चाह पत्ती लैके तो चले गए। तकरीबन तकरीबन 4 लाख रुपये का मेरा आपका नुकसान हैगा जी। पुलिस ने सूचित किया जी? हाँ जी सर, सुबह आके पुलिस ने सूचित किया जी, सूचित करके उन्होंने साहब आए इतने, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। उदू SHO साहब भी आया जी, तो वो आदि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मैं तो मौका उमें पे जी, मौका विखिया साहब ने, तो वेखो जो करते इंसान। सीसीटीवी सामने आई है? नहीं सर जी, अजे तक कुछ नहीं आया जी। सुन च यह है भी रात को कोई बंदा आपके घरदों को छड़न चले ट्रेन से, कहता 3:15 मालग्राम के गेट को वाइट कलर की बलैरो खड़ी सी, तो और चौकीदार की वर्डिंग है जी, कहता जी मैं 3:15 मैं बैठा, मगरों आ गए 5 जने से मेरे मूँह दब लिया, दब के तो मेरे मूँह तो बाहवा बनती, मेरा मूँह बनता, कंबल देता, कहते पिस्तौल लाती, जे मेरे गोली जे बोलिया तो गोली मार देंगे तेन। कहते जी असी घुबाए पिंड तो आए हाँ, तो सानू असी किसी कुड़ी अगवा करनी है, तू बोलिया हिसाब ला ली। और चौकीदार की वर्डिंग है भी कहना मैंने खड़का आई गया भी कोई नुकसान हो जाता है, पर जो माल लैके चले गए उदू सू फोन पहुँचे जी, मैंने 4:24 से पहुंचे जी, मेरा नंबर नहीं है चौकीदार को, उन्हें चके कुमार मित्तल हार्डवेयर किया। किन्ने चौकीदार मौजूद होंगे इस टाइम? इतने मौजूद रात में जी, जो सिक्योरिटी गार्ड मेन एक है जी, सामने फुटबॉल साहब दफ्तर है जी, दफ्तर के उन्होंने भी एक चौकीदार है जी, तकरीबन 2 या 3 इतने रात में कट्ठे बैठे रहते जी। रजिस्टर सिक्योरिटी जो हम चली जाते जी, संधु सिक्योरिटी शायद उन्होंने जी। गल फोन किया जी, उन्होंने जवाब दिता जी असं बहर असं नहीं आ सकते, उन्होंने भी सू जवाब दिता, पर उन्होंने कहा लगन वे भी मान लो थोड़ा अगो फ्रंट का कोई भी नुकसान होंगे उनके जिम्मेवार असी हाँ, जा उपरों छत का या मगरों कंध का होंगे उनका जिम्मेवार असी नहीं गए, पर यह तो मेन फ्रंट तो ही नुकसान होया जी, तो अजे तक सिक्योरिटी गार्ड का मेन हैड कोई नहीं साढ़े को पहुंचा जी। तकरीबन 10:30 हो गए जी, 4:30 घटना है, 5 बजे तो असं कॉल भी की है, पर अजे तक कोई सिक्योरिटी गार्ड का मेन हैड नहीं आया। एक रोशन लाल एंड सोहन लाल की फर्म है इतने जलालाबाद रोड से, जिन्हों का बीड़ी सिगरेट से एंड जो भी है चाह पत्ती का होलसेल का काम है। इतने रात चोरों ने कोई वारदात को अंजाम दिता, सो साढ़े को इनफॉर्मेशन आई है, इस संबंधी असी जो भी है मुदईया का बयान लिख के पर्चा दर्ज करके उस जो लेंदी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं अजे तक हाल की घड़ी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं सिटी एरिया, हाल की घड़ी इन्हों का कोई 1.5 लाख रुपया कैश से, बाकी जो है अभी तक इन्होंने करना जी।